दोस्तों गांव में बहुत पैसा है, बस आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी ऐसी नई नई जानकारी, जैसे कि आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि ऐसा क्या चीज़ है गांव में किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा धंधा करें, क्या करें, कौन सा नौकरी करें, गांव में समझ में नहीं आता। काश हम भी शहर में होते तो शहर में अपने घर में अपने एरिया में अपने ज़िले में ही काम करते, और हम लोगों को उतना दूर दूर जाना पड़ता है शहर में काम करने के लिए। मतलब ऐसा बहुत से लोगों का सोच है, बहुत से लोग करते हैं और आते जाते लगे रहते हैं। बहुत से लोग कहाँ कहाँ पे, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई कोलकाता है, कोई चेन्नई है, कोई बेंगलोर है, कोई पूना है, कोई कर्नाटका है, मतलब जो जहाँ ही जाकर जहाँ व्यवस्था उनको मिला वहाँ पे अपना काम धंधा कर रहा है, प्राइवेट में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब काम अपना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो लोग गांव से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हम मतलब गांव में ही कुछ करें, तो वे उनके लिए बहुत ही मस्त मस्त आइडिया मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव के लिए ही आपको ऐसा दिमाग लगाना है, क्या ऐसा दिमाग लगाना है जो कि गांव में ही रहकर हम पैसा कमा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बारी बारी से बताएंगे कि ये चीज़ आप ये बिजनेस करके आप यहाँ पे गांव में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, अगर आपके पास जोश है, जुनून है, आपके पास कोई जज्बा है कि मुझे गांव में ही रहकर करना है, तो सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में सबसे पहली चीज़ कि गांव में खेती बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। खेती सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे पहला बिजनेस है जो कि आप गाँव में रहकर खेती आप कर सकते हैं, और खेती से ही चाहेंगे तो आप बहुत बड़ा डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, शुरुआत में कुछ पूंजी इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है, जैसे खेत को करना क्या, खेत को लगान से लेना है, ठीक है, किसी को पैसा देकर उनका खेत 1 साल के लिए ले लेना है, और उसमें फिर अपना अपने तरीके से जो भी फसल उगाना चाहे उगाए, और ऐसा फसल उगाए जो कि हमें डेली पैसा दे सके, डेली का डेली महीने का 15 दिन पे पैसा दे सके, जैसे कि मिर्च की खेती होगी, सब्जी की खेती होगी, फूल की खेती होगी, इस टाइप की खेती आपको करना है, ताकि आप उस पैसे को भी उनका जमा कर दें और एक अच्छा खासा बिजनेस भी आप कर सके, पूंजी भी बचा सके, ठीक है। तो गांव में आप चाहेंगे तो खेती का बिजनेस करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खेती में देखिए होता क्या, फूल की खेती हो रही है, ठीक है। अच्छा शुरुआत में अगर आपके पास पूंजी नहीं तो ये भी ऑप्शन आता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको आधे मतलब अधिया जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप पे आपको दे देते हैं, मतलब उनका खेत होता है, आपको करना है, वो लोग पूंजी लगाएंगे, बाद में जो प्रॉफिट होगा पूंजी आपको, यानी कि पूंजी उसी पूंजी में से काट लेंगे, बाकी आपको दे देते हैं, मतलब कि आपको पूंजी नहीं लगाना है, उनका खेत है, इस तरीके से आप शुरुआत में कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा आपके पास पूंजी है तो उनको पैसा दे करके पूरा खेत ले लीजिए 1 महीने 1 साल के लिए, 1 साल के बाद फिर दोबारा पैसा दीजिए, फिर कीजिए, मतलब इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, और ऐसे ऐसे करके आप 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे 20 बीघे तक खेती आप इस तरीके से लेकर आप कर सकते हैं। और जो भी खेती करना, जो भी फसल करना, बिजनेस के पर्पज से करना, ना कि कोई अनाज पैदा ही खाली करना है, ठीक है, अनाज भी पैदा करना है लेकिन एक हिसाब से, ज़्यादा करके ऐसा फसल उगाना है जिससे कि हमें नगद नगद पैसा मिल जाए, यानी यहाँ से मंडी में जाए सामान बिके और हमें पैसा मिल जाए, इस तरीके से आप खेती में आप अपना करियर बना सकते हैं। और खेती के अलावा आप साथ में किसान का अगर काम किए हैं तो घर पे एक दो गाय भी रख सकते हैं, और धीरे धीरे उस गाय को बढ़ाते 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 एक दिन डेयरी फार्म खोल सकते हैं, यानी कि आप बहुत बड़ा व्यापारी हो जाएंगे दूध का, और दूध को ले जाकर डेयरी में जमा कर देंगे और वहां से एक अच्छा खासा मोटा पैसा आपको मिलता जाएगा। मतलब कि अगर गाँव में है तो आपको दिमाग लगाना है कि शुरुआत में छोटी गाय से स्टार्ट करना है, फिर उससे एक ठो बढ़ाना है, फिर उससे एक ठो बढ़ाना है, फिर उससे बढ़ाना है, ऐसे करके 10-20 गाय आपके पास हो जाती है तो अच्छा खासा जो है घर बैठे आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो कि बाहर में जो नहीं कर कमा पाएंगे वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि गाँव में क्या है, कुछ नहीं है, चलो शहर में निकल लें। देखिए शहर में, गाँव में होता क्या है कि शहर में आपको बने बनाए जॉब मिल जाएगी, आप जॉब करना स्टार्ट कर लें, लेकिन गाँव में अगर हैं तो गाँव में आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं, जैसे खेती हो गया, किसानी हो गया, ठीक है। इसके अलावा गांव में बहुत से ऐसे बिजनेस हैं
जो कि खाने पीने से रिलेटेड है। और गांव के लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, गांव में भी लोगों को चटपटा चीज़ खाने का बड़ा शौक रहता है, और शहर में सब लोग नहीं जा पाते हैं, औरतें घर पर रहती हैं, लड़कियाँ घर पर रहती हैं, तो इसके लिए होता क्या है, गाँव में आप पानी पूरी का जैसे चाट वगैरह का भी आप दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, मंचूरियन वगैरह का भी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब खाने पीने से रिलेटेड जो भी व्यंजन होता है उस चीज़ का आप जो है कि एक ठेला लगा करके गांव में घूम करके भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसे लोग करके कमा भी रहे हैं अच्छा खासा, 500-600 हज़ार रुपये डेली का बचा रहे हैं। पानी पूरी में वो ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, लगभग आधा पैसा उसमें बचता है। अगर आपने 100 रुपये लागत लगाया तो वो 200 रुपये का बिकेगा, सीधा 100 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें आप 100 रुपये आप पूंजी का निकाल लीजिए, 100 रुपये में आपका 50 रुपये मेहनताना हो गया, 50% प्रॉफिट जो है आप उसको अलग रख के उसी को बढ़ाते जाइए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि पानी पूरी का भी बिजनेस, चाट वगैरह का बिजनेस भी बहुत अच्छा बनता है गाँव के हिसाब से। दोस्तों जिनके पास दिमाग है, देखिए दिमाग से क्या करते हैं कि पहले तो मंडी वाले से बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से कॉन्ट्रेक्टर या दलाल टाइप के काम भी कर सकते हैं। हम मंडी वाले से बात करके, आप किसानों से बात करके इनके फसल को वहाँ तक बीच में बेचवाना और बीच में कमीशन लेना, मतलब ऐसा भी करके बहुत से लोग पैसा अच्छा खासा यहाँ से कमा लेंगे। आजकल छोटी छोटी मंडियाँ भी गाँव में खुल जाती हैं कि किसानों का फसल डायरेक्ट उनके सामने तौला जाए और उस फसल को फिर मंडी में भेजा जाए, वहाँ से मंडी से कॉन्ट्रैक्ट रहता है यहाँ भाई साहब का, और किसानों से माल अपने यहाँ लेते हैं और अपने यहाँ से फिर बड़े वाले व्यापारी के यहाँ मंडी में जाता है, और मंडी वाला क्या करता है इनको कमीशन देता है, बाकी जो पैसा होता है किसान का जो माल बिकता है वो माल किसान के यहाँ पहुँच जाता है। मतलब इस तरीके से गाँव में अगर आप रह रहे हैं तो गाँव में ये बात नहीं है कि गाँव में पैसा नहीं है, गाँव में भी बहुत सारे पैसे हैं बहुत सारे, लेकिन बस दिमाग का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दोस्तों। दिमाग लगाएंगे तो अच्छा खासा गांव में भी पैसा कमा सकते हैं। देखिए आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया है, ठीक है, आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया है। अगर गांव में देहात में आप रहते हैं तो खेत खलियान से रिलेटेड हर जगह जा करके आप रील्स वगैरह भी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अगर फेमस हो जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। दूसरा चीज़, इसके अलावा आप YouTube चैनल स्टार्ट कर लीजिए, YouTube पे आप ब्लॉगिंग वगैरह या कोई चीज़ के विषय में जानकारी देना या खेती किसानी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी जानकारी देना, उनको बताना, ऐसा करने से भी आपको जो है कि यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब दिमाग लगाएंगे तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे, सोचेंगे बस इतना दिमाग में भर गया है कि गांव में कुछ नहीं है, या शहर में चलोगे, शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े रोड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा थार समुद्र था पैसा है, वहाँ पे खूब पैसा कमाना है, इतना 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करना है, घर द्वार अपना सब छोड़ छाड़ कर वहाँ पे गए हैं, साल साल भर 6-6 महीने पे आ रहे हैं, घर पे फिर जा रहे हैं, उनके पास मौका भी नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे घर पे रुके, उनके पास फुर्सत भी नहीं, मतलब वहीं पे ज़्यादा करके उनका समय बीत रहा है। ऐसे लोग बाहर ही करते हैं, लेकिन जो दिमाग लगाते हैं वो गाँव में भी सक्सेस हैं और उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, जो भी एक्टिविटी आप दिखाइए आप उसको शूट करके यूट्यूब पे डालिए, ठीक है, देखिए आप धीरे 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 उस यूट्यूब से पैसा भी कमाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप दुकान डाल सकते हैं, किराना का दुकान, जैसे किराना का दुकान एक ऐसा छोटा मोटा भी दुकान डाल सकते हैं, अपने बस्ती एरिया में भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा मोटा भी पैसा आप कमा सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं उसके साथ में, मतलब खेती भी करिए, पार्ट टाइम आप इसको भी कर सकते हैं। किराना का दुकान भी बहुत अच्छा खासा चलता है, लोग कल के लोग जितने भी आसपास के पड़ोस के बस्ती के लोग होते हैं वो आपके यहाँ से ही सामान खरीदेंगे, क्योंकि उनको दूर जाना पसंद नहीं है, आपके यहाँ से सुविधा मिल जा रहा है, थोड़ा मोड़ा सामान आपके यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो गाँव में अगर रह रहे हैं तो किराना का भी दुकान आप खोल सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पल का भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत हिसाब से चलेगा, हालांकि मार्केट की तरह नहीं चलेगा, लेकिन आप रखेंगे तो थोड़ा मार्जिन का हिसाब किताब अगर बना लेते हैं तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छा खासा जूता चप्पल का भी दुकान बहुत अच्छा खासा चल जाता है। साड़ी वगैरह का जैसे दुकान हो गया, कपड़े का दुकान हो गया, ये भी आप यहाँ पर गाँव में अगर रहते हैं गाँव में स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा चलता है। अगर कोई कर रहा है, दो चार दुकानें हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, कहीं और दुकान लगाइए, ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये लोग भी तो जाते हैं शहर से सामान लेने के लिए, तो वही सुविधा आप गांव में देंगे तो गांव में लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बस यही सोचना है कि कितनी दुकानें खुली हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छी खासी पूंजी है तो आप हार्डवेयर का दुकान कर लीजिए, क्योंकि देखिए गाँव में भी अब धीरे धीरे बिल्डिंग बनने लगा,
ईंटे का काम, बालू का काम, सीमेंट का काम, सरिया का काम, गाटर का काम, पटिया का काम, ये सब सारे काम, खिड़की दरवाजे, सीमेंट से बहुत सारे पुट्टी वगैरह, पेंट वगैरह, मतलब कि जो हार्डवेयर होता है उसमें बहुत सारे सामान रहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की दुकान खोल करके आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको पास दिमाग है, दिमाग लगाना चाहते हैं, तो आप सोचने पे मजबूर होइए। पहले एक बार सोचिए कि हमारे गांव में क्या क्या चीज़ की एक्टिविटी होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ यहाँ पे चलेगा, क्या चीज़ लोगों का डिमांड है। ये चीज़ अगर गांव में आप पकड़ लिए हैं तो आप अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं, ये मान लीजिए हमारी बात। ठीक है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गाँव में गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव में रहते हैं, तो आपको यही थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल खाली करना है, देखिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और दूसरा चीज, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। अगर कर लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना है उसका, वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, और इसी तरह नई नई जानकारी आपको मोटिवेट भी करने के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। आप जैसे कि ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि ये लोग कहते हैं गांव में कुछ नहीं है, तो गांव में भी आप रह के अच्छा खासा जो है काम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस की जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।